कोयला खदानों में कार्यरत कर्मियों का वेतन अब बोर्ड 11 का नोटिफिकेशन जारी करने, कमर्शियल माइनिंग को बंद करने, जनवरी 2017 से सेवानिवृत्त कोल कर्मियों को 20 लाख ग्रेच्युटी भुगतान करने, सेवानिवृत्त कोल कर्मियों का पेंशन वेतन बोर्ड 10 के अनुसार रिवाइज करने समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर 5 फरवरी को कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर बुधवार 3 फरवरी को खुटांडी कोलियरी पीठ पर भारतीय मजदूर संघ की श्रमिक सभा में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को जमकर लताड़ा और कोल कर्मियों का हितों को लेकर सही फैसला नहीं लेने पर देशव्यापी आंदोलन चलाने की बात कही। बीएमएस के संगठन सचिव सह कॉरपोरेट वेलफेयर सदस्य धनंजय पांडे ने केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि आसाम की खदानों को बंद की जा रही है, निजी क्षेत्रों को कोयला खदान दी जा रही है, कोल कर्मियों की सुविधाओं में कटौती की जा रही है। अब समय आ गया है कि हम केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ और अपनी जायज मांगों को लेकर श्रमिक एकता के बल पर सबक सिखाना है। इसके लिए 5 फरवरी को इसी एल मुख्यालय पर अपनी ताकत को दिखला देना है। एबीकेएमएस के ईसीएल प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह ने उपस्थित कोल कर्मियों के बीच कहा कि बीएमएस अपने कोल कर्मियों के हितों को लेकर आंदोलन करती है और जिसकी भी सरकार हो वे श्रमिकों को लेकर उनके हितों का ख्याल रखती है। आज समय आ गया है कि हम सभी मजदूर भाइयों को अपनी रोजी रोटी बचाने और अपनी जायज मांगों को लेकर एकजुटता के साथ शक्ति दिखाने का समय आ गया है। 17 सूत्री मांगों को लेकर ईसीएल मुख्यालय पर प्रबंधन को श्रमिक ताकत का एहसास करा दिया जाए। उन्होंने खुटांडी कोलियरी प्रबंधन पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने की बात भी कही। एबीकेएमएस के ईसीएल सचिव तापस कुमार घोष ने भी सरकार की नीतियों पर अपनी भड़ास निकाली। सभा संचालन क्षेत्रीय सचिव डी चटर्जी ने किया। केंद्रीय संगठन मंत्री महेंद्र सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। सभा के दौरान बीएमएस नेता निर्मल सिंह, एसएस तिवारी, रामबली, मिलन घोष समेत श्रमिक उपस्थित थे। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट।